तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से और नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं दो गैजेट जो आपको जो आप एम्पलीफायर बनाते हो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो हर एम्पलीफायर में यूज किए जाते हैं। अगर आपने ये बना लिए तो ये मान लीजिए आप एम्पलीफायर पूरा कंप्लीट हो चुका। तो चलिए ये बनाते हैं। ये मेरे पास 50K की 3 वॉल्यूम A1K का रेजिस्टेंस और ये 50 वोल्ट का 100 वेव का कैपेसिटर, 103 का कैपेसिटर। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैं ये कार्डबोर्ड यूज करूँगा, इसमें मैं ये जो वॉल्यूम है इनको फिट करूँगा। अगर आपके पास और किसी तरीके से लगा सकते हो आप, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा ऐसे ही। चलिए बना दिया। आपको चाहिए एक 10K का रजिस्टर, ये मेरे पास 10K का रजिस्टर। आपको दो चाहिए, दो इसी प्रकार से आपको लगाने हैं। ये देखिए पिन नंबर जो इसकी जो इधर जो पहले नंबर पिन है और जो दूसरे नंबर वॉल्यूम का पहले नंबर पिन है उसके साथ कनेक्ट करना इस प्रकार से। ये देख लीजिए, वो आपको चाहिए 104 GB का कैपेसिटर जो आपको उसकी एक नंबर पिन और जो दो नंबर पिन है उससे कनेक्ट करना है इस प्रकार से। और आपको चाहिए 103 का सॉरी 104 का पॉलिस्टर सॉरी कैरामिक। तो ये इस प्रकार से आपको लगाना है। वैसे मैं इसका सर्किट डायग्राम आपको सर बोर्ड डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, चेक कर लीजिए। ये मेरे पास 15K का रेजिस्टेंस, तो ये देखिए ये मेरे पास 103 का सैरामिक जो आपको उसकी जो तीसरे नंबर पेन है और जो दूसरे नंबर वॉल्यूम पहले नंबर पेन से लगाना है। ये मेरे पास 103 का पॉलिस्टर, आपको चाहिए 25 वोल्ट का 100 UF का कैपेसिटर जो आपको उसके बीच की नंबर पेन से लगाना है, जो आपका 8 वोल्ट रहेगा 2 एम्पलीफायर के लिए। ये आपका इनपुट रहेगा, ये देखिए ये 8 फुट के वायर है, तो मैंने ये लगा लिए हैं पूरी तरीके से। ये देखिए ये आपको जब आप एम्पलीफायर चलाते हो एम्पलीफायर में ये वॉल्यूम अप डाउन और बेस ट्रैवल के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए इसे चेक करते हैं अब। तो आ जाओ दूसरी वीडियो में। तो गैस गैस कीजिए ये क्या बनाने वाला हूँ मैं, ये भी एम्पलीफायर के लिए है। तो चलिए इसको भी बना देते हैं। वैसे मैं इसका जो बेस जो एम्पलीफायर से बेस निकलता है प्रॉपर बेस के लिए, वैसे आप 4558 जो IC होती है उससे भी बना सकते हो, लेकिन मैं विदाउट जो IC है उसके लिए बनाया है। कहीं किसी के पास नहीं होती IC तो क्या करें, वैसे बनाते हैं। ये है मेरे पास 10K का प्रेजेंट, तो उसी के लिए मैंने ये बनाया है। इसमें आपको ना 4558 ना अदर कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, सीधे बना लीजिए। इसका भी बेस शानदार है। ये मेरे पास 10K का रेजिस्टेंस, इसमें भी आपको दो लेने हैं। और आपको चाहिए 103 का सेरामिक और एक और आपको पॉलिस्टर चाहिए जो आपका रहेगा 224 G का पॉलिस्टर कैपेसिटर जो आपको इसको इस प्रकार से। इसका भी मैं सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लीजिए आप। आपको एक और चाहिए 103 का सेरामिक, इसको भी आपको इसी प्रकार जो पहले रेजिस्टेंस पर लगाया है उसी प्रकार इस पर भी लगाना है आपको। उसके लिए आपको एक और चाहिए 224 G का पॉलिस्टर, ये आपको भी इस प्रकार से लगाना है। ये देखिए मैंने लगा लिया, ठीक है। और आपको एक और चाहिए जो स्विच रहेगा 3 पिन के लिए, जो आपका अगर मोड के लिए बटन रहेगा या अगर आप बेस और जो ट्रैवल है वो करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप बेस को चाहिए तो बेस कर सकते हो और ट्रैवल चाहिए ट्रैवल कर सकते हो। ये मेरे पास 15K का रेजिस्टेंस, ठीक है, जो आपको इसकी जो प्रेजेंट था प्रेजेंट की दोनों पिन कनेक्ट करनी है और जो उसका जो पॉलिस्टर लगा हुआ है उसके साथ कनेक्ट करके जो उसका स्विच था स्विच पर लगाना है।
इस प्रकार से। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है, मौसम खराब है आज। तो ये पूरी तरीके से मैंने जो उसके वायर हैं वो लगा लिए हैं, जो उसका जो आउटपुट रहेगा, जो आपका वो 50 के का वॉल्यूम लगा है उसके साथ आउटपुट रहेगा, जो कनेक्टर रहेगा इसका जो इनपुट रहेगा ऑडियो के लिए, वो आपका जो इधर साइड में आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस उस पर रहेगा। तो ये देखिए मैंने लगा लिए हैं पूरी तरीके से, जो उसका आउटपुट है, ये इसका आप इसका इनपुट है, जो ग्राउंड है, तो ये मैंने कनेक्ट कर लिया है। ये पूरी तरीके से ये देखिए मैंने कार्डबोर्ड के साथ फिट कर दिया है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए बेस बूस्टर लिख दिया है। तो ये मेरे ड्राइव करने के लिए मेरे पास है 6283 IC, इससे मैं इसको ड्राइव करूँगा और चेक करके दिखाऊँगा। तो चलिए इसे अब चेक करते हैं, इसका साउंड और इसका बेस। अब आपको बता इसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं हो सकता है, तो आप खुद ही टेस्ट कर लेना, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।